इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। अब की बार एक ही सपना बहरोड नंबर वन हो अपना, बहरोड की पहचान आपका भाई बलवान, काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। भाजपा नेत्री डॉक्टर शानू यादव ने आज चांदीचाना, बिगाना, रोडवाल सहित दर्जन भर गांव की चौपाल पर जनसंपर्क किया और 22 तारीख को बहरोड में परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण भी दिया। ग्रामीणों ने गांव की चौपाल पर पहुंचने पर डॉक्टर शानू यादव का फूल माला एवं शॉल भेंट कर फलों से तोलकर सम्मान किया। साथ ही नव युवक मंडल की ओर से बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। डॉक्टर शानू यादव ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अपने स्वार्थ को आगे रखकर हमारे बहरोड को जिला नहीं बनने दिया। हमारा बहरोड निमराना आज एक कुलपति जुड़कर रह चुका है। हम सब जानते हैं कि जिला बनता तो हमारे बच्चों को नया रोजगार मिलता, बिजली पानी रोड की जो हमारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती। आज कलेक्टर ऑफिस SP ऑफिस बहरोड में होता, लेकिन आज भी हम ये सब चीजों से जो है दूर है, हमें सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। साथ ही साथ आज अपराध हमारे क्षेत्र में कितना बढ़ गया है, हम लोग रोज सुनते हैं कि कितनी गोलीबारी हमारे क्षेत्र में हो रही है। चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई खेत हो, हम अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। नारनूल शहर के त्रिदिवसीय आयोजन में आज संकीर्तन में हाजिरी लगाने के लिए नंद किशोर शर्मा नंदू भैया नारनूल शहर में पहुंचे और प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर जोरासी धाम में भोग के समय अपनी हाजिरी लगाई। इस दौरान बाबा श्याम के परम भक्त कमलकांत जी पुजारी व नंदू महाराज में औपचारिक भेंटवार्ता भी हुई। क्षेत्र के कारोड़ा, अजमेरीपुर, ढेश सहित दर्जन भर गाँव में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव ने भ्रष्टाचार हटाओ यूथ बचाओ कार्यक्रम के तहत जन संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने साफा DJ व 51 किलो की बड़ी माला से बलवान सिंह यादव का स्वागत किया। यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं पिछले 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ और हमेशा पार्टी के हित के लिए कार्य किया है। साधु संतों का अपमान करने वालों को, महिलाओं के लिए भद्र बोलने वालों को, निरंकुश को और विशेषकर भ्रष्टाचार के लोगों को तो भैरोड़ से निकालो। 25 साल तो मुझे हो गया, मैं देख रहा हूँ सुजान सिंह के बारे में आपने लोकल विधायक बनाए, क्या बताओ बनाएंगे लोकल विधायक, सब अपनों के लिए कहते हैं, बाहर के व्यक्ति को हम लेते हैं यहाँ विधायक बना देते हैं, भाइयों को बगाड़ना है। अब की बार मोहित यादव को बनाए विकास का जरिया, सोच ईमानदार, काम दमदार, तभी तो है बहरोड का भविष्य और जन जन का विश्वास। युवा भाजपा नेता मोहित यादव। इंदु अस्पताल निमराना, ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 माह से 8 माह से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। आज बहरोड में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता व अलवर जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज थे। इस दौरान युवा नेता मोहित यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में आगामी महीने होने वाले कई कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। इस दौरान बोलते हुए मोहित यादव ने कहा कि हमने जीत की तैयारी शुरू कर दी है और 22 सितंबर को बहरोड में जनसभा में क्षेत्र के हजारों लोगों के आने की उम्मीद भी है। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों ने कोटपुतली बहरोड जिले में शताब्दी अवस्थी फाउंडेशन द्वारा आयोजित खेल उत्सव प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों में भाग लेकर बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। यूनिक चेयरमैन सुमित यादव ने बताया कि बहरोड कोटपुतली जिले की एकमात्र विद्यालय जिसके विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में कबड्डी व ताइक्वांडो में अपना अद्भुत प्रदर्शन दिखाते हुए गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल ट्रॉफी प्रशस्ति पत्र हासिल किए। उन्होंने कहा कि समय समय पर संस्था द्वारा विद्यार्थियों को
खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे बच्चों में एक नई ऊर्जा का प्रसार भी होता है। इस दौरान विद्यालय स्टाफ व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बहरोड एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 सत्य प्रकाश सोनी द्वारा निर्देशित पीएलवी नरेश सैनी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गंडाला में बच्चों को नशीले पदार्थ के सेवन की रोकथाम एवं नव चेतना जीवन कौशल और औषधि शिक्षा मॉडल के संबंध में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सतमासे और अठमासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा, विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन समारोह में 17 सितंबर को राजस्थान से भाग लेने वाले प्रतिभागियों को आज युवा नेता मोहित यादव ने भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।